हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं? फॉरेन की देखने जा रहे हैं और साथ साथ जॉइन भी देखने जा रहे हैं। ये थोड़ी लंबी प्रोसेस है। क्या है, एकदम शांति से, ध्यान से, क्योंकि ये कंसेप्ट पे ही पूरा एसक्यूएल, मतलब यूजुअली हम जब भी प्रोजेक्ट कंपनी में वर्क करते हैं तो इस कंसेप्ट पे ही वर्क करते हैं। जॉइन के यहाँ पे मैं अभी W3C स्कूल्स मैंने ओपन करके रखी है, तो यहाँ पे आपको जॉइन के टाइप मिल जाएंगे। तो देर आर फोर टाइप्स ऑफ जॉइन: इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन एंड फुल आउटर जॉइन। ये हम स्टेप बाय स्टेप देख रहे हैं। अब मैं यहाँ पे जा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पे रिकॉर्ड्स है। ओके, कौन सा टेबल मैं एक बनाने जा रहा हूँ? एक कंट्री नाम का टेबल बनाने जा रहा हूँ। तो कंट्री, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कंट्री आईडी। तो यहाँ पे मैं नंबर लिख रहा हूँ, नंबर 2। यहाँ पे मैं इसको प्राइमरी की दे देता हूँ, मतलब कंट्री आईडी का नंबर प्राइमरी की है। फिर कंट्री नेम, ओके, लेट मी राइट कंट्री नेम, वेर के 2, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 10। ओके, तो कंट्री आईडी एंड कंट्री नेम, लेट मी रन। ओके, तो ये एक टेबल बन गया है। कौन से नाम का? कंट्री नाम का हमारे पास है। ओके, अब यहाँ पे जो कंट्री नाम का टेबल है, तो अब मुझे दूसरा एक टेबल बनाना है। कौन से नाम का टेबल बनाना है? तो स्टूडेंट, मतलब मैं यूजुअली जैसे मैं ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, तो मेरे स्टूडेंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड के होते हैं, नहीं, अलग अलग जगह के। तो व्हाट आई वांट, मुझे कंट्री टेबल में मैं वो कंट्री स्टोर करूँगा, और स्टूडेंट टेबल में मैं स्टोर करूँगा वो स्टूडेंट कहाँ से है। तो यहाँ पे मैं एक टेबल बना रहा हूँ, क्रिएट टेबल स्टूडेंट। अब स्टूडेंट नाम का ऑलरेडी मेरे पास स्टूडेंट टेबल है, तो यहाँ मैं बना देता हूँ ऑनलाइन स्टूडेंट। स्टूडेंट, अब यहाँ पे रोल नंबर, सपोज स्टूडेंट का आर नंबर लिखता हूँ, नंबर 2, प्राइमरी की। हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए। फिर हम नेम लिख देते हैं, जहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम सेव करेंगे, वेर के 2। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 10। अब यहाँ पे सपोज स्टूडेंट की फीस मैं लिख देता हूँ नंबर, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 डिजिट, और लास्ट में मैं लिख रहा हूँ कंट्री आईडी नंबर 2। अब ये कंट्री आईडी को मुझे फॉरेन की बनाना है। अब देखो, फॉरेन की करके कोई कीवर्ड है ही नहीं, पर हम यहाँ पे फॉरेन की करके बना रहे हैं। तो मतलब फॉरेन की, मतलब बोलेंगे फॉरेन की, पर हम यहाँ पे कीवर्ड कौन सा यूज़ करेंगे मैं बता रहा हूँ। तो REFERE रेफरेंसीज, मतलब ये CID है, वो रेफरेंस है। कौन से टेबल का? कंट्री टेबल का। और यहाँ पे कंट्री आईडी मुझे लिखनी पड़ेगी कि ये कंट्री आईडी से मतलब लिंक है। ओके, दोनों की साइज़ सेम होनी चाहिए, दोनों की डेटा टाइप भी सेम होनी चाहिए। मतलब वहाँ पे भी हमने नंबर ही रखा है, 2 डिजिट ही रखा है। अब मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ, कौन सा टेबल है मेरे पास? ऑनलाइन स्टूडेंट। अब सॉरी, ऑनलाइन स्टूडेंट। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ, तो देखो टेबल क्रिएट हो गया। अब मुझे क्या करना पड़ेगा? रिकॉर्ड को इंसर्ट करना पड़ेगा, ऑब्वियस है। तो मैं सबसे पहले इंसर्ट कर रहा हूँ, इंसर्ट इन टू कंट्री और वैल्यूज़, यहाँ पे लिख देता हूँ 1, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ USA। ओके, करते हैं रन। सॉरी, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2, UK। अब 3 ले लेते हैं, ओके, अब 3 ले लेते हैं, तो सपोज जर्मनी। ओके, यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। फिर मैं ले देता हूँ 4, ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के स्टूडेंट्स थे मेरे। ओके, फिर हम लिख देते हैं 5, इंडिया। ओके, इंडिया में भी ऑनलाइन मेरे स्टूडेंट्स होते हैं, इंडिया। अब लास्ट वन मैं लिख देता हूँ न्यूजीलैंड, तो न्यूजीलैंड का NZ। ओके, अब एकदम लास्ट वन जिसमें मेरे पास एक भी स्टूडेंट नहीं है वहाँ का, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं, नेपाल के तो मेरे पास थे, श्रीलंका लिख देता हूँ, श्रीलंका। ओके, करते हैं रन। तो देखो टोटल मैंने कितने रिकॉर्ड डाले, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, कौन सा टेबल? कंट्री। ओके, आप देख सकते हो कि कंट्री टेबल के अंदर मैंने इतने रिकॉर्ड डाले हुए हैं, बराबर 1 से लेके 7 तक। इज इट क्लियर? ओके, तो कंट्री टेबल मैं यहाँ पे उसके टेबल जो भी है, ओके, कंट्री टेबल में हमने इतने रिकॉर्ड इंसर्ट किए हैं। कौन से है? कंट्री आईडी, कंट्री नेम, ओके, श्रीलंका, मतलब जो भी है, दो कॉलम हमने इंसर्ट की और रिकॉर्ड हम देख रहे हैं। क्लियर अबाउट दिस? किसी को इश्यू है तो मतलब देख लेना एक बार कि किस तरह से टेबल के रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया है। अब हम आगे जा रहे हैं। ओके, अब आगे जाके हम टेबल को मतलब अलग अलग वैल्यूज़ इंसर्ट करेंगे। लेट मी शो यू स्टेप बाय स्टेप। ओके, ये किसकी एंट्री थी? हमारी हमारी एंट्री थी कंट्री टेबल की।
अब हम स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट कर रहे हैं। ओके, तो स्टूडेंट टेबल में इंसर्ट करने के लिए चलो चेक करते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम स्टूडेंट टेबल के अंदर रिकॉर्ड इंसर्ट करने जा रहे हैं, तो इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। ओके, कौन सा स्टूडेंट, सॉरी ओ स्टूडेंट वैल्यूज़। अब हमारे पास चार कॉलम है, वन है मतलब रोल नंबर है, नाम है, फिर उसकी फ़ीस है, तो फीस मैं दे देता हूँ 13,000, और वो कौन सी कंट्री में से है तो मैं वन लिख रहा हूँ, मतलब वो कंट्री नंबर वन में। कंट्री नंबर वन हमारे पास कौन सी है, तो हमारे पास कंट्री नंबर वन थी यूएसए। ओके, लेट मी रन। ओके, एक रिकॉर्ड हमने इंसर्ट किया, दूसरा रिकॉर्ड अब इंसर्ट करने जा रहा है। ओके, दूसरा स्टूडेंट है राहुल। ओके, तो मैं राहुल लिख रहा हूँ, उसकी फ़ीस मेरे पास 23,000 है, वो भी यूएस से ही है। रन करते हैं। तीसरा स्टूडेंट हम ले लेते हैं मानव। ओके, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मानव। ओके, उसकी फ़ीस 25,000 ले लेते हैं, वो भी कंट्री वन से ही है, यूएस से ही है। अब मैं चौथा स्टूडेंट ले लेता हूँ, सपोज़ मानसी। ओके, तो मानसी 35,000 उसकी फ़ीस है, वो है कनाडा से, मतलब सपोज़ दूसरी कंट्री ले लेते हैं। ओके, तो दूसरी कंट्री हमारे पास कौन सी थी, दूसरी हमारे पास यूके थी, सॉरी मैं कनाडा एंट्री नहीं थी। ओके, अब फिफ्थ स्टूडेंट यहाँ पे लिख देते हैं तेज। ओके, उसकी ले लेते हैं 15,000, वो भी यूके से ही है। ओके, अब मैं डाल रहा हूँ सिक्स रिकॉर्ड। ओके, तो यहाँ पे ले लेता हूँ वीरेन। ओके, यहाँ पे उसकी फ़ीस रख देते हैं 35,000, उसको हम दे देते हैं कौन सी कंट्री में से, तो उसको हम जर्मनी में से ले लेते हैं, मतलब थर्ड पे से। फिर मैं रोल वापस डाल रहा हूँ सेवन, देव करके स्टूडेंट है। ओके, वो भी जर्मनी से है। ओके, तो मैंने उसके भी दो रिकॉर्ड डाले। अब मेरे पास एक दो तीन स्टूडेंट मैं इंडिया के डाल देता हूँ। रोल नंबर 8 यहाँ पे लिख देता हूँ कान। ओके, और यहाँ पे 25,000, वो है फोर्थ नंबर की कंट्री, मेरे पास फोर्थ नंबर की कंट्री कौन सी है, ऑस्ट्रेलिया है। ओके, फिर 9-1 कौन सा है, यहाँ पे यश ले लेता हूँ, उसकी भी उसको मैं कंट्री दे देता हूँ, सपोज फिफ्थ वन। ओके, फिफ्थ वन हमारे पास कौन सी है, सॉरी सिक्स वन में ले लेता हूँ, न्यूजीलैंड। ओके, तो उसको मैंने न्यूजीलैंड में डाल दिया है। ओके, तो मेरे पास अब दूसरा भी एक स्टूडेंट ले लो 10, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेदिका। ओके, 35,000 उसको भी कंट्री नंबर 6, मतलब कौन सी कंट्री हो गया, न्यूजीलैंड। अब मैं एक रिकॉर्ड और डाल देता हूँ 11, जो स्टूडेंट का नाम है ईरम मेरे पास, उसकी फ़ीस 25,000 है, पर मुझे उसकी कंट्री पता नहीं है, तो मैं नल लिख रहा हूँ। ओके ओके, फिर रोल नंबर 12 लिख देता हूँ सोहम, जिसकी भी कंट्री मुझे पता नहीं है, तो सोहम। ओके, तो मैंने रन कर दिया। अब चलो चेक करते हैं कौन सा टेबल, स्टूडेंट नाम का टेबल, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कौन सा टेबल, ओ स्टूडेंट, लेट मी रन। तो यहाँ पे मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो इतने मैंने रिकॉर्ड डाले हैं, शायद मैंने फिफ्थ नंबर का कोई भी बंदा मतलब कंट्री मैंने नहीं लिया है, मतलब मेरा जो स्टूडेंट है वो यहाँ पे फिफ्थ नंबर की कंट्री इंडिया है, तो ऑनलाइन स्टूडेंट में मेरे पास कोई इंडिया का स्टूडेंट नहीं है, मतलब सारे ऑफलाइन स्टूडेंट इंडिया से हैं। तो ये जो हमारे पास दूसरा टेबल है वो ये है, चलो हम चेक करते हैं। मैं यहाँ पे दूसरा टेबल मतलब अब आगे चलते हैं, तो यहाँ पे जस्ट अ मिनट, इंसर्ट की क्वेरी मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंसर्ट। ओके, और यहाँ से इंसर्ट। आप कभी भी आपको पास्ट में हिस्ट्री देखनी है तो यू कैन चेक लाइक दिस वे। ओके, तो हमारे पास टेबल है और इस तरह से हमने रिकॉर्ड डाले हुए हैं। अब मुझे क्या करना है, तो अब मेरे पास यहाँ पे कितने रिकॉर्ड, एक बार देख लेते हैं, कंट्री में सेवन कंट्री है और यहाँ पे 12 रिकॉर्ड है। ओके, तो सेवन और यहाँ पे 12 है। अब मुझे कंट्री टेबल में से कंट्री नेम चाहिए और स्टूडेंट टेबल में से नेम चाहिए। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कंट्री और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ओ स्टूडेंट। ओके, तो टोटल कितने रिकॉर्ड आए, पहले तो मैं इसको 100 कर देता हूँ और रन करता हूँ, देखते इसमें कितने रिकॉर्ड आए। तो देखो ये पूरा टेबल मतलब कुछ गलत ही आ रहा है, और कितने रिकॉर्ड आए, 84 रिकॉर्ड्स। अब 84 कैसे आ गए, तो देखो वो टेबल के 7 रिकॉर्ड और ये टेबल, वो टेबल के 7 रिकॉर्ड और ये टेबल के 12 रिकॉर्ड, तो 12 इंटू 7,
ओके, तो 12/7/84, तो उसने क्या किया, यूएस मतलब कंट्री ली और उसने सारे स्टूडेंट के साथ ले लिया, यूके कंट्री ली फिर उसने सारे स्टूडेंट के साथ ले लिया, जर्मनी कंट्री ली मतलब 7 कंट्रीज ली और उसको 12 स्टूडेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो दिस वन इज़ अ कार्टिजन प्रोडक्ट। ओके, तो ये जो मतलब ये हमारी क्वेरी है वो पूरी गलत क्वेरी है, पर या ऐसी क्वेरी होती है। गॉट इट, अब हम आगे चलते हैं। तो अब मुझे क्या करना है, तो यहाँ पे अब जो हमें यूज़ करना है वो जॉइन यूज़ करना है। जॉइन कैसे यूज़ करेंगे, तो सबसे पहले इनर जॉइन यूज़ करते हैं। इनर जॉइन की क्वेरी कैसे लिखते हैं, तो लेट मी शो यू, यहाँ पे जैसे एग्जांपल दिया है उससे ही हम इनर जॉइन पढ़ते हैं। तो यहाँ पे उसकी सिंटेक्स ऐसी है, सिलेक्ट कॉलम, जो भी आपको कॉलम करनी है, फ्रॉम टेबल 1 एंड फ्रॉम इनर जॉइन टेबल 2, और दोनों के बीच की कॉमन क्वेरी। ओके, तो ये मैं कॉपी कर रहा हूँ, हमारे में जा रहे हैं, हम कौन सी क्वेरी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं इनर जॉइन। तो यहाँ पे मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, देखते हैं यहाँ पे दिस इज़ द सिंटेक्स जो मैंने वेबसाइट पे से कॉपी की है। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कंट्री नेम, स्टूडेंट नेम, और चलो फीस भी बता देते हैं कौन से टेबल में से, तो हमें कंट्री टेबल में, स्टूडेंट टेबल में से स्टूडेंट, कौन सा स्टूडेंट, वो स्टूडेंट, ओके ऑनलाइन स्टूडेंट, और इनर जॉइन उसको ज्वाइन किसके साथ करना है, तो कंट्री के साथ करना है। ओके, अब दोनों में कॉमन फील्ड कौन सी है वो मुझे लिखना है, तो ओ स्टूडेंट, सॉरी ओ स्टूडेंट डॉट, यहाँ पे कंट्री, दोनों में कॉमन फील्ड CID है, और यहाँ पे कंट्री डॉट CID, मतलब हमने दो इस तरह से लिया हुआ है। लेट सी, हम रन करते हैं, यहाँ पे देखो, सॉरी यहाँ पे नेम नाम की कॉलम है, मेरी गलती थी। अब मैं रन कर रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, कंट्री का नाम USA, राज नाम का स्टूडेंट है, उसकी फ़ीस 13,000 है, USA राहुल है, उसकी फ़ीस ये है, मतलब मैंने जो भी लिखा है उसके अकॉर्डिंग तो दोनों टेबल के रिकॉर्ड क्या हो गए, मिक्स हो गए, कि नहीं ये कंट्री में से ये कंट्री, मतलब ये कंट्री स्टेट, दोनों जो भी रिकॉर्ड थे टोटल जितने भी रिकॉर्ड हमने प्रॉपरली इंसर्ट किए थे, देखो 10 रिकॉर्ड क्यों आए, क्योंकि 2 स्टूडेंट जो हमने डाले थे लास्ट के, उसके अंदर कोई कंट्री नहीं डाली है, वो नल था, तो यहाँ पे वो रिकॉर्ड डिस्प्ले नहीं हो रहे, बाकी के रिकॉर्ड सारे डिस्प्ले हो गए। ओके, तो ये हमने जो किया है वो कौन सा ज्वाइन है, ये इनर ज्वाइन है, कौन सा ज्वाइन है, इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन में क्या होता है, तो वो दोनों टेबल के रिकॉर्ड जो भी जितने भी रिकॉर्ड मैच होते हैं वो इनर ज्वाइन से रिकॉर्ड वो लेके आता है, याद रखना है, इसको बोलते हैं इनर ज्वाइन। अब मैं आपको दूसरा ज्वाइन बता रहा हूँ, क्योंकि ज्वाइन के बहुत सारे टाइप्स हैं, वापस हम ये साइड में जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे अब लेफ्ट ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन में वो क्या करेगा, तो लेफ्ट ज्वाइन में हमें खाली लेफ्ट लिखना है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ लेफ्ट ज्वाइन, हमारी क्वेरी में ही मैं जा रहा हूँ। ओके, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन मतलब हमें इनर ज्वाइन वर्ड की जगह क्या लिखना है, खाली लेफ्ट ज्वाइन लिखना है, तो मैं इनर निकाल के यहाँ पे लिख देता हूँ लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन, लेट मी रन। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, तो स्टूडेंट के सारे, देखो यहाँ पे कंट्री के सारे रिकॉर्ड आए, मतलब हमने लेफ्ट ज्वाइन किया तो उसने क्या किया, तो कंट्री, सॉरी स्टूडेंट के सारे रिकॉर्ड लाया है वो, देखो जिसकी भी नल है, क्योंकि हमने लेफ्ट साइड हमारे कौन सा टेबल है, स्टूडेंट है बराबर, ऑनलाइन स्टूडेंट, तो ऑनलाइन स्टूडेंट के वो सारे रिकॉर्ड लाया, मतलब सोहम भी लाया और ईरम का भी रिकॉर्ड लाया, भले वो नल है, तो लेफ्ट ज्वाइन क्या करेगा, वो लेफ्ट साइड के मतलब हमने ज्वाइन में जो भी क्वेरी लिखी है उसमें से लेफ्ट साइड के वो सारे रिकॉर्ड लेके आएगा। ओके, तो इसको बोलते हैं लेफ्ट ज्वाइन। ओके, तो हम आगे चलते हैं, लेफ्ट ज्वाइन भूलना नहीं है आपको, ये कौन सा है, लेफ्ट ज्वाइन है। ओके, सारे रिकॉर्ड्स आपको पता होने चाहिए कि लेफ्ट ज्वाइन में क्या आता है। अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ राइट ज्वाइन। ओके, अब राइट ज्वाइन में वो क्या कहता है, मैं इमेज में ही बता देता हूँ, लेफ्ट ज्वाइन में देखो वो सारे टेबल सारे रिकॉर्ड लेके आया स्टूडेंट के, अब राइट ज्वाइन में आप सबको पता चल गया है वो राइट ज्वाइन में किसके रिकॉर्ड लेके आएगा, वो राइट साइड के, मतलब हमारे पास 2-3 कंट्री ऐसी है जिसका हमने हमने मतलब नहीं स्टूडेंट मतलब हाँ जिसमें कोई स्टूडेंट नहीं है। लेट मी रन दिस, मैंने राइट आउट ज्वाइन लिखा है, तो देखो यहाँ पे इंडिया और श्रीलंका वो उसके मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट नहीं है, तो ये मैंने जो 2 कंट्री हमारी लिखी है, ओके, वो सारे रिकॉर्ड आ गए कंट्री के, तो हमने राइट आउटर ज्वाइन लिखा, तो राइट साइड के सारे रिकॉर्ड आ गए, क्लियर अबाउट दिस। तो ये था राइट आउटर ज्वाइन। देखो 3 ज्वाइन हमने देखे, एक नॉर्मल ज्वाइन देखा मतलब इनर ज्वाइन देखा, दूसरा देखा लेफ्ट ज्वाइन, और तीसरा हम देख रहे हैं, तीसरा हमने देखा राइट ज्वाइन। ओके, तो ये राइट ज्वाइन था। अब हमारे पास एक लास्ट ऑप्शन है, यहाँ पे कौन सा ज्वाइन है, तो फुल ज्वाइन, हम फुल ज्वाइन देखने जा रहे हैं।
अब फुल ज्वाइन मतलब वो यहाँ पे हमें लिखना होगा फुल आउटर ज्वाइन। अब फुल आउटर ज्वाइन क्या करेगा, लेट सी, हम यहाँ पे क्वेरी में लिख रहे हैं फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पे राइट की जगह मैं लिख रहा हूँ फुल आउटर ज्वाइन, मतलब हमारी एक्सपेक्टेशन है वो दोनों जगह से सारे रिकॉर्ड लेके आएगा। लेट मी रन दिस, तो देखो। ओके, तो जो भी नल है या जो भी रिकॉर्ड से दोनों टेबल को मिक्स कर देगा, टोटल 14 रिकॉर्ड्स आए, क्योंकि उसके दो नल थे और इसके ये दो नल थे। तो फुल आउटर ज्वाइन सारे रिकॉर्ड लेके आएगा और सब कुछ मिक्स कर देगा, तो दिस इज़ कॉल्ड फुल आउटर ज्वाइन। ओके, तो ज्वाइन के टाइप अभी तक हमने जो देखे वो चार टाइप देखे, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और ये है फुल आउटर ज्वाइन। फुल आउटर सब कुछ मिक्स कर देगा, जो भी नल होगा नहीं होगा, तो देर आर फाइव फोर डिफरेंट ज्वाइन जो अभी हमने देखे, होप आप सबको पता चला होगा। चलो आगे चलते हैं अब।